दिन भर तारीख 28 फरवरी दिन सोमवार में हूँ मोहनलाल शर्मा। रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए बेलारूस की सीमा पर टेबल पर आए, शांति वार्ता शुरू हुई पर युद्ध जारी। People of Kyiv are joining in the fight in every single way, and members of parliament, the least they can do is try to be useful here and join it. भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए भारत भेज रहा है चार मंत्रियों को, अब तक 1400 भारतीय नागरिकों को निकाला गया। क्या रूस यूक्रेन शांति वार्ता में भारत की कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? हम इसराइल के साथ कम्पीट ही नहीं कर पाए, हम बस कुरियर बॉय का काम कर सकते हैं, जो दूसरा मैंने बोला था ना, सीरियस पीस ब्रोकरिंग है, मैसेजिंग कर सकते हैं, हम पीस ब्रोकरिंग नहीं कर सकते। तो 7:30 बज चुके हैं और आप सुनना शुरू कर चुके हैं बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिनभर। स्वागत अभिनंदन फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का। पहले मुख्य समाचार। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन से अब तक 6 उड़ानों के जरिए 1400 भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 4 उड़ानें बुखारेस्ट और 2 उड़ानें बुडापेस्ट यानी कि हंगरी से भारत आई हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को निकालने की कोशिशों के दौरान जमीन पर परिस्थितियां बेहद जटिल और चिंताजनक हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और जब दिशा निर्देश जारी किए गए थे तब 8000 भारतीय नागरिक यूक्रेन में थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में विशेष दूत तैनात करने का फैसला किया गया है। बागची ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया, किरण रिजिजू स्लोवाक रिपब्लिक, हरदीप पुरी हंगरी और वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। उनका कहना था कि ये दूत समन्वय स्थापित करते हुए लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया देखेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीयों को पश्चिमी यूक्रेन में जाने के लिए कहा गया है, लेकिन वो खुद सीधा वहां पर ना पहुंचे क्योंकि इसमें समय लगेगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई पर भारतीय मीडिया में चल रही खबरों को लेकर रूसी दूतावास ने मीडिया एडवाइजरी जारी की है। भारत में रूसी दूतावास ने ट्वीट किया और लिखा कि यूक्रेन में जारी संकट को देखते हुए भारतीय मीडिया से सटीक सूचनाएं देने का अनुरोध किया जा रहा है ताकि भारत के लोगों को निष्पक्ष जानकारी मिल सके। दूतावास का कहना है कि रूस ने यूक्रेन और उसके लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा है, ये रूस का विशेष सैन्य अभियान है जो कि यूक्रेन के सैन्यीकरण और नाजीकरण को रोकना चाहता है। डोनबास में यूक्रेन ने पिछले 8 साल से जो युद्ध छेड़ रखा है रूस उसे भी खत्म करना चाहता है। यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों के बारे में दूतावास ने कहा कि रूसी सेना काफी संयम बरत रही है, वो यूक्रेन के नागरिकों और शहरों पर हमले नहीं कर रही, वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ढांचों को निशाना बना रही है। दूतावास के ट्वीट के मुताबिक रूस की सेना यूक्रेनी सेना की तरह प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रही और न नागरिकों को मानव ढाल बना रही है, वो युद्ध बंदियों के साथ काफी इज्जत से पेश आ रही है। ट्वीट में यह भी कहा गया कि रूस लगातार बातचीत और विचार विमर्श के प्रयास करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 4 लाख से अधिक लोगों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है और यूक्रेन से लोगों का पलायन का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में लोग पड़ोसी देशों में प्रवेश करने की कोशिश में हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि यूक्रेन में लोगों को ट्रेनों पर चढ़ने से रोका जा रहा है। UNHCR की एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया और लिखा, एजेंसी इस रिपोर्ट को देख रही है। अब तक यूक्रेन से 4,22,000 लोगों ने पड़ोसी देशों की ओर पलायन किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके देश की सेना ने अब तक 5,000 रूसी सैनिकों को मार दिया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा, पिछले 4 दिन की लड़ाई में 5,300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस के 191 टैंकर, 29 लड़ाकू विमान, 29 हेलीकॉप्टर और सैनिकों को ले जाने वाली 816 हथियारबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि बीबीसी यूक्रेन के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि शुरुआती लड़ाई में रूस को भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना था उसकी सेना को नुकसान पहुंचा है, हालांकि अधिकारियों ने नुकसान का सटीक आंकड़ा नहीं बताया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पर्यवेक्षकों के मुताबिक शुरुआती लड़ाई में 94 नागरिकों की मौत हुई है और ये पर्यवेक्षक संयुक्त राष्ट्र के हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
तो बड़ी खबरें यूक्रेन से और अब आज का दिन भर कार्यक्रम। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के पांचवें दिन दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि वो चाहता है कि तुरंत संघर्ष विराम लागू हो और रूसी सेना को बाहर निकाला जाए। वहीं रूस की ओर से मध्यस्थता कर रहे व्लादिमीर मेंदेस्क ने कहा कि रूस ऐसा समझौता चाहता है जो दोनों पक्षों के हित में हो। कल रूस ने यूक्रेन के साथ बातचीत का जब बेलारूस में प्रस्ताव रखा था तो यूक्रेन ने यह कहते हुए बेलारूस में बातचीत करने से मना कर दिया था कि बेलारूस रूस का भरोसेमंद सहयोगी है और उसने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का पूरा साथ दिया है। लेकिन आज दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर शांति वार्ता की टेबल पर आ गए। वार्ता से पहले यूक्रेन के कई शहर आज भी हाई अलर्ट पर रहे। दिन भर क्या कुछ हुआ, बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अंजुम शर्मा से। यूक्रेन रूस शांति वार्ता के लिए बेलारूस की सीमा पर यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया और रूसी सैनिकों से अपने हथियार डालने के लिए कहा। वीडियो में व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ से यूक्रेन को तुरंत अपना सदस्य बनाए जाने का आग्रह किया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन यूरोपीय लोगों के साथ रहना चाहता है। हम यूरोपीय संघ से यह कहना चाहते हैं कि नई प्रक्रिया के तहत यूक्रेन को तुरंत संघ में स्वीकार करें। हमारा लक्ष्य सभी यूरोपीय लोगों के साथ रहना है और सबसे जरूरी बात समान होना है। मुझे यकीन है यह सही है, हम इसके हकदार हैं। मुझे यकीन है यह संभव है। जेलेंस्की ने इसके बाद कहा कि यूक्रेन में उन दोषी कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा जिनके पास युद्ध का अनुभव है और जो देश की रक्षा में मदद कर सकते हैं। इस फैसले को उन्होंने नैतिक दृष्टि से कठिन लेकिन रक्षा की दृष्टि से बहुत मददगार बताया। उन्होंने कहा कि रूस के हमलों ने यूक्रेन और उसके सहयोगियों को पहले से कहीं अधिक करीब ला दिया है। जरा सोचिए, रूसी आक्रमण के बाद से केवल चार दिनों में रूसी गोलाबारी के कारण 16 यूक्रेनी बच्चे मारे गए, 45 बच्चे घायल हो गए। हमारे खिलाफ होने वाला हर अपराध, चलने वाली हर गोली हमें और हमारे सहयोगियों को पहले से ज्यादा एकजुट करती है। आज युद्ध के पांचवें दिन भी यूक्रेन में कई शहर हाई अलर्ट पर रहे। हालांकि और दिनों के मुकाबले आज 8 बजे कर्फ्यू हटा दिया गया था और कह दिया गया कि लोग अंडरग्राउंड शेल्टर से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही राजधानी कीव के अधिकारियों ने चेतावनी भी जारी की कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि शहर के लगभग हर जिले में सड़कों पर संघर्ष जारी है। रूसी जवानों ने राजधानी के बाहरी इलाकों पर हमले की कई कोशिशें की लेकिन वो इस पर कब्जे में नाकाम रहे, ऐसा दावा किया गया। यूक्रेन में पिछले कई दिनों से लगातार धमाके हो रहे हैं, रूसी मिसाइलें भी दागी जा रही हैं। यूक्रेन लगातार इसका जवाब दे रहा है। पहली बार पूर्वी शहर नीप्रो में हवाई हमले के चेतावनी भरे सायरन सुनाई दिए। राजधानी कीव में भी सायरन की आवाजें आती रहीं। यूक्रेन के एक सांसद स्वेयरतोस्ला युराश ने राजधानी कीव की सड़कों पर बीबीसी से बात की। उन्होंने कहा कि वो और बाकी सांसद वहीं रहेंगे, कहीं अपना शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हमारी राजधानी है, हमारे देश की राजधानी है और हम इस पर किसी और का अधिकार नहीं होने देंगे। कीव के लोग हर तरह से लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सांसदों का मानना है कि वो इसके लिए जो कर सकते हैं करेंगे, चाहे वो लड़ाई में शामिल होना हो, सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभानी हो या दुश्मन की कुछ सेनाओं को नष्ट करने के लिए कुछ भी करना हो, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। हम अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु स्टेशन ज़ापोरिज़्या पर रूस के कब्जे के दावे को भी खारिज कर दिया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र बुलाने का भी फैसला किया है। अमेरिका और यूरोप के देशों को उम्मीद है कि 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में बड़े बहुमत से रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संयुक्त राष्ट्र परिषद को बताया कि बीते कुछ घंटों में जो भी कुछ हुआ है ये कोई सामान्य बात नहीं थी, इसके लिए कार्रवाई करना बेहद जरूरी था। जस्ट दिस मॉर्निंग प्रेसिडेंट पुतिन पुट रशिया'स न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन हाई अलर्ट। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा है।
वो भी तब जब वो ऐसे देश पर आक्रमण कर रहा हो जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है और उसे नाटो से भी कोई खतरा ना हो। ये एक अनावश्यक और युद्ध को भड़काने वाला कदम है जो एक तरह से हम सभी को धमकाने की तरह है। हम रूस से थोड़ा शांत रहने का आग्रह करते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो सभी सदस्य देशों पर असर डालते हैं और सभी देश महासभा में अपनी आवाज उठा सकते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के बैंकों पर यूरोपीय देशों के प्रतिबंध का असर साफ देखा गया। रूस के सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दर में बड़ा इजाफा किया है और ब्याज दर को 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। इस बीच अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जुटे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने किया है। इनमें से कई लोगों ने यूक्रेन के झंडे थामे हुए थे, वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। कई लोग यूक्रेन के लिए प्रार्थना कर रहे थे और यूक्रेन के समर्थन में नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारी यूक्रेन पर हमले को लेकर नाराजगी जता रहे थे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बेलारूस की मिन्स्क स्थित दूतावास में कामकाज स्थगित कर दिया है और रिपोर्टों के मुताबिक अमरीकी अधिकारियों ने रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद आपात सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों से कहा है कि वो परिवार समेत अपनी इच्छा से वापस आ सकते हैं। भारत क्या कर रहा है? भारत अपने नागरिकों को यानी कि भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए क्या कर रहा है? तो यूक्रेन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पिछले 24 घंटे के दौरान दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक में फैसला हुआ कि 4 मंत्री भारत के वहां पर जाएंगे, मतलब वो निकालने का काम करेंगे जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं हमारे सहयोगी राघवेंद्र राव जी। अब से कुछ देर पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी कार्य योजना बताई है। तो एक तो 4 मंत्री जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, तो पूरी कार्य योजना क्या है और इसे ऑपरेशन गंगा का नाम दे रहे हैं? जी मोहन जी, जैसा कि आपने कहा ही कि 4 मंत्रियों को भेजा जा रहा है और ये अपने आप में एक सिग्नल है इस बात का कि सरकार चाह रही है कि बेहतर समन्वय के लिए, और एक मंत्री का स्टेचर एक ब्यूरोक्रेट के स्टेचर से कहीं ऊंचा होता है, तो शायद यही वजह है कि भारत ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने मंत्रियों को वहाँ भेजे जिससे समन्वय बेहतर हो सके। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के साथ जो सीमाएं लगती हैं जिन देशों की, जिनमें हंगरी है, रोमेनिया है, पोलैंड है, स्लोवाक रिपब्लिक है और मोल्डोवा है, इन देशों में से केवल रोमेनिया और हंगरी ही दो ऐसे देश हैं जहां से भारतीय यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करके इन देशों में जा पा रहे हैं और वहां से उन्हें फ्लाइट्स के जरिए भारत लाया जा रहा है। पोलैंड के बॉर्डर पे दिक्कतें आ रही हैं, पोलैंड के बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे यूक्रेन के अपने लोग और वहाँ पे रहने वाले जो फॉरेन नेशनल्स हैं सभी लोग पोलैंड के बॉर्डर पे इकट्ठे हुए हैं और इतनी भीड़ है कि वहाँ से भारतीयों को निकलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसी के चलते जो योजना भारत ने अब बनाई है वो ये है कि यूक्रेन के दक्षिण में मोल्डोवा की तरफ का एक रास्ता खोला जा रहा है, लेकिन चूंकि मोल्डोवा से फ्लाइट्स भारत के लिए नहीं अवेलेबल होंगी, मोल्डोवा भारतीयों को पहले भेजा जाएगा और मोल्डोवा से उन्हें रोमेनिया भेजा जाएगा और वहां से फ्लाइट्स के जरिए वो भारत आ सकेंगे। तो योजना का एक हिस्सा ये है। उसी तरह से एक और लोकेशन है उजोहोर्ड करके एक जगह है यूक्रेन के ही साउथ वेस्ट में, जहां से योजना यह है कि लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो वहां से कुछ ही दूरी पे एक ट्रेन स्टेशन है जहां से आप हंगरी के बुडापेस्ट के लिए सीधी ट्रेन ले सकते हैं और आप 7 से 8 घंटे में बुडापेस्ट पहुंच सकते हैं और वहां से आपको हम पिक कर, वहां से हंगरी से फ्लाइट के जरिए उन्हें भारत लाया जा सकता है। तो प्रायोरिटी यह है कि किसी भी तरह भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां तक पहले ले आया जाए और उसके बाद उन्हें वहां से एयरलिफ्ट कर लिया जाए क्योंकि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र राव जी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन कुछ चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने दोनों पक्षों से बात की। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की और दूसरी बातचीत उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से की। यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत में उन्होंने शांति वार्ता के प्रयासों में भारत के योगदान की इच्छा भी जताई। इस वजह से कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि
कि क्या रूस यूक्रेन शांति वार्ता में भारत की कोई भूमिका हो सकती है। इसी मुद्दे पर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के सीनियर फेलो अभिजीत अय्यर मित्रा से बातचीत की बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पहले यहाँ पे जो राजदूत हैं यूक्रेन के, उन्होंने बोला कि इंडिया शुड प्ले अ रोल, और उसी रात को मोदी जी ने पुतिन से बात की। फिर उसके एक दिन बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का भी फोन आया और उनसे भी बात की, तो क्या कोई रोल इंडिया प्ले कर सकता है? देखिए, दो किस्म के रोल होते हैं। एक तो होता है कुरियर का रोल कि आप इधर का मैसेज, क्योंकि ये दो अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं अभी, एक है एक का मैसेज दूसरे को ले जाओ। और कभी कभार ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत हार्शली एक दूसरे से बात करते हैं, तो जब हम जाके वो कुरियर का काम करें उसमें से जो गाली गलोच है, जो ये है वो निकाल के हम दूसरे साइड को कन्वे करेंगे इन अ वेरी काम कलेक्टेड मैनर, ठीक है? तो ये एक रोल है। दूसरा रोल है जो एक्चुअल में शांति कराना, जैसे अमेरिका कई जगह पे कराता है, वो हमारे के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें क्या बहुत सारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट, एड, ये सब करना पड़ता है हर पार्टी को, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं एक पार्टी को इंसेंटिवाइज करने में, दूसरे पार्टी को इंसेंटिवाइज करने में, वो हम कर नहीं सकते हैं। तो कुरियर बॉय का जो काम है वो बस हम कर पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि रूस कुरियर बॉय वाली रोल में भी भारत को एक्सेप्ट करने को तैयार होगा और यूक्रेन भी? हाँ, दोनों ही तैयार होंगे एक्सेप्ट करने में। पर अभी क्या हुआ है, वैसे भी तो अभी बातचीत आज शुरू होने वाला है मिन्स्क में, बेलारूस में, तो अभी के लिए तो उनको कोई चाहिए नहीं। पर एक्सेप्ट अगर बाद में ये भी काम नहीं किया, रूस को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया से ये करने में। मतलब अक्सर ये बोला जाता है कि जो दोनों का दोस्त होता है वही सबसे अच्छा मध्यस्थ कर सकता है। हालांकि इसराइल ने भी ऐसी कोई पेशकश की है कि मैं भी एक वैसा रोल प्ले कर सकता हूं। तो इसराइल बनाम अगर भारत देखें तो आपको कौन सा, इसराइल में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो भारत में नहीं है? देखिए, इसराइल में सबसे बड़ी क्या बात है, उनकी तो आधी पॉपुलेशन तो रशियन है, रशियन या यूक्रेनियन एक्सट्रैक्शन की। तो उधर क्या होता है कि उनको एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो दोनों यूक्रेनियन भी बोल सकते हैं, रशियन भी बोल सकते हैं। दूसरी बात क्या है, उनके बहुत गहरे फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ टाइज हैं और बहुत गहरे यूक्रेन और रूस में भी बिजनेस टाइज हैं, हमारे से तो बहुत ही ज्यादा, हम तो बस डिफेंस और एनर्जी का ये करते हैं, उधर वो हर सेक्टर में है दोनों देशों में। तो उनका जो सोसाइटी का जो नॉलेज है, गवर्नमेंट का जो पेनिट्रेशन है, उनका जो इंटेलिजेंस गैदरिंग भी है उधर का, हमसे बहुत ही आगे है। इन सब चीजों के वजह से हम इसराइल के साथ कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, हम बस कुरियर बॉय का काम कर सकते हैं, जो दूसरा मैंने बोला था ना, जो सीरियस पीस ब्रोकरिंग है, हम मैसेजिंग कर सकते हैं, हम पीस ब्रोकरिंग नहीं कर सकते, पीस ब्रोकरिंग इसराइल कर पाएगा। अच्छा, एंड बेलारूस में जो बातचीत की प्रस्तावित अभी आज मंडे को हो सकती है, उसमें बेलारूस की कोई भूमिका होगी या बस दे आर प्रोवाइडिंग अ स्पेस? नहीं, बेलारूस बस स्पेस कर रहा है, मैरिज हॉल की तरह स्पेस दे रहा है बस। सर, तो आपने कहा क्यों नहीं कर सकता, उसमें पहला कि हमारे पास उनके जो लैंग्वेज या एथनिसिटी के साथ भी उतना वो नहीं है जितना इसराइल के साथ है, एक तो लैंग्वेज बैरियर भी आप बोल रहे हैं, क्या वो भी एक रीजन हो सकता है? लैंग्वेज तो इज वन ऑफ द रीजंस, इट्स वन ऑफ मेनी रीजंस। सो व्हाट आर द मेनी, वन ऑफ मेनी रीजंस जो आपने बताया, वो मेनी रीजंस क्या है, वो मुझे अगर गिना सकें, व्हाई वी कैन नॉट प्ले? सो लैंग्वेज, इंटेलिजेंस ऑन बोथ पार्टीज, पर्सनल इंटेलिजेंस ऑन बोथ लीडर्स। हाउ डू यू डिफरेंशिएट द टू, इंटेलिजेंस ऑफ पार्टीज एंड पर्सनल इंटेलिजेंस? Right. So intelligence on the parties is how the systems in systems of government function. मतलब सरकार के कार्यकाज की प्रणाली के बारे में। जी, कि इसमें कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है, पुतिन कुछ सोच रहा होगा पर उसका डिफेंस मिनिस्टर कुछ और सोच रहा होगा, उसका फॉरेन मिनिस्टर कुछ और सोच रहा होगा, और किसका क्या एजेंडा है किसको ये करने में, रोकने में या बढ़ावा देने में। तो ये है जनरल इंटेलिजेंस। दूसरा है पर्सनल इंटेलिजेंस, कि सब कुछ ठीक है पर क्या पुतिन उस माइंडसेट में है कि वो ये इसको एक्सेप्ट करेगा करके। सो देयर इज जनरल इंटेलिजेंस, देयर इज लीडरशिप इंटेलिजेंस। चौथी बात क्या है कि द शेयर डेप्थ ऑफ बिजनेस टाइज, बिजनेस societal and cultural ties. तो इतना हमारा नहीं है जितना बाकियों का है, मतलब इसराइल का है। Correct. Or Israel's integration into financial systems and commodity trading. तो भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इसका विश्लेषण कर रहे थे अभिजीत अय्यर मित्रा। यूक्रेन की कहानी में एक और बड़ा देश है, वो है चीन।
बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने बात की वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा से और उनसे चीन के मुद्दे पर पूछा कि उसकी भूमिका क्या हो सकती है। सुनिए। जो चीन का एंगल है शिवकांत शर्मा जी, चीन भी भारत की तरह क्या बहुत टाइट रोप वॉक कर रहा है? क्योंकि एक तरफ जो है उसकी दुविधा है यूरोप में युद्ध को वो सपोर्ट करते हुए दिखना नहीं चाहता हो, दूसरा है कि रूस के साथ रणनीतिक और सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है वो इस वक्त, ऐसे में किस तरह की कश्मकश है चीन की? देखिए, चीन की कश्मकश क्या है, चीन तो मुझे लगता है बहुत खुश होना चाहिए चीन को, चीन के हाथ दोनों हाथों में लड्डू हैं। चीन पर पूरी तरह लगभग रूस निर्भर हो जाएगा अगर ये सारे के सारे अगर ये लड़ाई लंबी खींचती है। अगर दोनों हाथों में लड्डू है तो साथ खड़ा हुआ दिखना क्यों नहीं चाह रहा है वो? वो इसलिए दिखना नहीं चाह रहा कि उसको अपनी पश्चिम की मार्केट, यूरोप का बाजार, अमेरिका का बाजार, ये दोनों चीजें भी देखनी है। और इसीलिए जो भारत का इस वक्त स्टैंड है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि मानवीयता के नाम पर भारत को थोड़ा सा अब आगे बढ़ना चाहिए था। भारत का जब जब रूस ने समर्थन किया है, हमें ये याद रखना चाहिए, भारत ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया, बिना किसी कारण के किसी देश पे हमला नहीं किया जिसकी वजह से रूस को समर्थन करना पड़ा। सारे के सारे वाजिब कारण थे जिस पर रूस का समर्थन मिला। इस वक्त पुतिन साहब जो यूक्रेन में कर रहे हैं उसकी तुलना भारत के किसी भी कदम से आप नहीं कर सकते। तो ये देखते हुए कम से कम भारत को दबाव डालना चाहिए। और देखिए 1965 की लड़ाई में क्या हुआ था, रूस ने दबाव डाला था और जो भारत ने जमीन जो हासिल की थी पाकिस्तान की लड़ाई में वो भारत ने वापस की और शांति समझौता हुआ। 1962 की लड़ाई को याद करें, 1962 की लड़ाई में क्योंकि रूस उलझा हुआ था क्यूबा के जो है मिसाइल क्राइसिस में, इसलिए रूस ने भारत का समर्थन नहीं किया, वो न्यूट्रल रहा। अंततः माओ को रोकने के लिए अमेरिका को आना पड़ा। तो जरूरत पड़ने पर और परिस्थितियों के हिसाब से कूटनीति बदला करती है। इस तरह का शासन अगर होगा और इस तरह के कदम अगर उठाए जाएंगे तो मुझे लगता है भारत को अब सोचना पड़ेगा, केवल पाकिस्तान पर हमें समर्थन चाहिए और हमें जो है वो सैनिक सहायता चाहिए, तो इसके रहमो करम पर किसी इतने बड़े देश की कूटनीति को चलाना बहुत अच्छा नहीं। अब यूक्रेन हमला झेल रहा है, एक इस तरह का संघर्ष चल रहा है, अब इसके आगे क्या होगा? क्या हालात और बिगड़ सकते हैं या कुछ दिनों में संभल सकते हैं? क्योंकि दुनिया बहुत ही डर के साथ इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। नहीं, ये बहुत ही चिंता की बात है और हालात तो बिगड़ेंगे ही। हालात पूरी दुनिया इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेल रही है। 40 साल में इतनी महंगाई कभी दुनिया ने नहीं देखी, भारत ने भी नहीं देखी। ऊपर से ईंधन की किल्लत हो जाएगी और ईंधन की किल्लत और ये तमाम तरह के व्यापार प्रतिबंध जो लग रहे हैं या बैंकों पर प्रतिबंध लग रहे हैं, इसका दुनिया भर के व्यापार पर असर पड़ेगा। भारत भी इससे बुरी तरह प्रभावित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सारी समस्या ये है कि ये सब होने क्यों दिया गया? केवल ये जो मिश्रा जी कह रहे हैं सही बात है कि रूस को सुरक्षा की गारंटी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह का पुतिन का इस वक्त व्यवहार है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगर ये कह भी दिया जाता कि यूक्रेन को हम कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बनाएंगे, इसके बावजूद यूक्रेन को छोड़ा जाता। वो तो महारूस की बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब यूक्रेन को लेनिन ने बना के गलती की, यूक्रेन तो कभी था ही नहीं, इसलिए यूक्रेन तो हमारे भीतर होना चाहिए। अब देखिए चुनौती नेटो के सामने ये है कि इससे आगे लिथुएनिया, लातविया और एस्टोनिया के साथ रूस क्या करता है, उसकी मंशा इससे आगे जाकर के अगर पुतिन साहब की यहाँ चल जाती है तो फिर खैर नहीं है। पोलैंड की मोल्दोवा तो उनके वैसे ही कब्जे में है, लोग भूल जाते हैं कि पिछले 30 वर्षों से वहां एक पट्टी है जिसको आप ट्रांसनिस्ट्रिया शायद कहते हैं, जो कि यूक्रेन से लगती हुई है, उस पर 30 साल से कब्जा है रूस का और रूस की सेना की एक टुकड़ी वहां मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार शिवकांत शर्मा समझा रहे थे कि क्या पेच है और कैसे बातचीत होगी या आगे क्या हो सकता है। कार्यक्रम में अब थोड़ा सा विषय परिवर्तन करते हैं और जरा खेलों की दुनिया में चलते हैं। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
इन दिनों दुनिया भर की हॉकी टीमों के बीच प्रो हॉकी लीग के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां भारत की महिला और पुरुष टीम को कल हार का सामना करना पड़ा, जबकि इससे पहले ये दोनों टीमें लगातार जीत हासिल कर रही थी। सबसे बड़ी बात, दोनों टीमें अपने घर में खेलते हुए पराजित हुई। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में प्रो हॉकी लीग के महिला मुकाबले में कल भारतीय टीम का सामना स्पेन से था, जहां वो 4-3 से हार गई, जबकि इससे एक दिन पहले ही भारतीय टीम ने उसे 2-1 से हराया था। इसके अलावा इससे पहले भारतीय महिला टीम ने ओमान में खेले गए दोनों मुकाबलों में चीन को 7-1 और 2-1 से हराया। अब भारतीय महिला टीम अपने अगले दो मुकाबले जर्मनी के खिलाफ 12 और 13 मार्च को भुवनेश्वर में ही खेलेगी। इधर भारतीय महिला टीम स्पेन से हारी तो उधर पुरुष टीम भी कल स्पेन से ही 5-3 से हार गई, जबकि उसने भी एक ही दिन पहले स्पेन को 5-4 से हराया था। दरअसल कल स्पेन ने 5 में से 4 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर किए, जो बताता है कि भारत का डिफेंस कितना कमजोर था। अब भारतीय पुरुष टीम के अगले दो मुकाबले महिला टीम की ही तरह भुवनेश्वर में ही जर्मनी के खिलाफ 12 और 13 मार्च को हैं। और अब समीक्षा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2020 सीरीज में 3-0 से किया श्रीलंका का सफाया। अब निगाहें टेस्ट सीरीज पर, जहां मोहाली में होगा पहला टेस्ट मैच, जो विराट कोहली का होगा 100वां टेस्ट मैच। लॉट ऑफ पॉजिटिव्स केम आउट फ्रॉम दिस सीरीज, सो हैप्पी वेयर वी स्टैंड एट द मोमेंट। इस सीरीज में बहुत कुछ सकारात्मक रहा, जिससे हम आज जहां खड़े हैं उससे खुश हैं। ये कहना है जीत के रथ पर सवार रोहित शर्मा का, जिनकी कप्तानी में भारत ने कल धर्मशाला में खेले गए तीसरे और आखिरी 2020 मुकाबले में मेहमान श्रीलंका को 6 विकेट से मात दी। कल श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान दासुन शाहनाका के केवल 38 गेंदों पर बनाए गए नाबाद 74 रनों की मदद से 5 विकेट खोकर 146 रन बनाए। इसके बाद भारत ने जीत का लक्ष्य श्रेयस अय्यर के 45 गेंदों पर बनाए गए बाद 73 रन की मदद से 16.5 ओवर में ही केवल 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर ने पहले मैच में नाबाद 57 और दूसरे मैच में भी नाबाद 74 रन बनाए थे। इसका इनाम उन्हें कल मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के रूप में मिला। जैसा श्रेयस अय्यर ने सोचा वैसा ही हुआ। माइंडसेट तो मेरा यही था कि तीनों मैच में मुझे नॉट आउट आना था, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, और ये एक तरह से पेस करना है मुझे इनिंग्स, और सिचुएशन जो कुछ भी हो मुझे पता है कि एंड में अगर मेरा आई सेट होगा तो आई कैन टेक ऑन एनी बॉलर्स, और अगर वो पोजीशन में मैंने अपने आप को लाया तो फिर टीम का टोटल भी एक डिजायर्ड टोटल में पहुंच सकता है। वैसे कल के मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने भी नाबाद 45 रन बनाकर अपना दमखम दिखाया, लेकिन कमाल की बात है कि कप्तान रोहित शर्मा ने उनसे एक भी ओवर नहीं कराया। वजह बताई रविंद्र जडेजा ने, क्योंकि वो रवि बिश्नोई और कुलदीप मैच खेले नहीं थे तो उनको भी थोड़ा मैच प्रैक्टिस हो जाए, तो बस वही रीजन था। अब भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच मोहाली में इसी शुक्रवार 4 मार्च से खेला जाएगा, जो विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच होगा। क्रिकेट समीक्षक अयाज बेमन चेताते हुए कहते हैं, बहुत बड़ा ओकेजन होता है अगर 100वां टेस्ट खेल रहा है कोई प्लेयर, और मेरे ख्याल से सबके ये उम्मीदें हैं कि विराट कोहली जो है कुछ एक लंबा बड़ा स्कोर बनाएंगे इस मैच में। काफी हल्का उनका फॉर्म चला है पिछले 2 साल से, लेकिन श्रीलंका भले ही इतनी हल्की टीम नजर आ रही थी T20 में, लेकिन टेस्ट मैच का एक जो रिदम होता है वो अलहदा होता है, और ये मैचेस के पॉइंट्स जो है बहुत ही बहुमूल्य है इंडियन क्रिकेट के लिए भी, तो यहाँ पर कोई आप रिलैक्स नहीं कर सकते, और कोशिश होनी चाहिए रोहित शर्मा के विराट कोहली की भी कि ये मैचेस किसी तरह भी इंडिया जीते और आगे बढ़े टेस्ट क्रिकेट में भी। वैसे रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने लगातार तीसरी सीरीज में किसी टीम का सफाया किया। इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज को मात दी थी। ये भारत की घर में लगातार 7वीं जीत है। उधर इसी शुक्रवार से न्यूजीलैंड में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप शुरू होने जा रहा है, जिसमें मेजबान न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज समेत 8 टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय महिला टीम मिताली राज की कप्तानी में अपने अभियान की शुरुआत 6 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से करेगी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
आजकल कार्यक्रम में हम आप लोगों की टिप्पणियां शामिल नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मकसद आप तक ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पहुंचाना है। लेकिन कुछ टिप्पणियां, शिवकांत कह रहे हैं कि विश्व में शांति होनी चाहिए, विश्व के सभी मुल्कों को शांति व भाईचारे रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। निरुपम वाजपेयी एक टिप्पणी कर रहे हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दोनों देश बातचीत के लिए टेबल पर आए, काश यही रूस यूक्रेन युद्ध से पहले आते तो बेहतर होता। तो आज दिनभर कार्यक्रम में बस इतना ही। bbchindi.com पर लगातार अपडेट का सिलसिला जारी है। मोहनलाल शर्मा को अजीत सारथी के साथ विदा दें, नमस्कार।